इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, श्री विवेक जैन, श्रीमती सुरुचि जैन, सावी जैन, प्रासुक जैन, प्रेम सुख फाइनेंस, स्पेशल होम लोन, लैप ओडी लिमिट बिजनेस लोन, प्रोजेक्ट लोन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम त्रिवेणी संगम महोत्सव में। मैं हूँ आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, दिनांक 21 जनवरी 2024 को हरियाणा के सोनीपत स्थित भगवान प्रेम सुख मंदिर में भगवान पारसनाथ का जन्म कल्याणक गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के जन्म जयंती एवं गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के दीक्षा महोत्सव भव्याति भव्य रूप में आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम पूज्य गुरुवरों के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया, जहां भक्तों का उत्साह देखते ही बना। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की विशेष झलकियां। इस क्षेत्र में परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब का समाधि स्थल भी निर्मित है। जहां गुरुदेव के समाधि स्थल के दर्शन वंदन करने गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब पहुंचे। हरियाणा के सोनीपत स्थित भगवान प्रेम सुख मंदिर में दिनांक 21 जनवरी 2024 को त्रिवेणी संगम महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां भक्तों द्वारा भगवान पारसनाथ का जन्म कल्याणक गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज का जन्म जयंती एवं गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज का दीक्षा महोत्सव भव्याति भव्य रूप में मनाया गया। इस दौरान दूर दराज से गुरु भक्तों ने महोत्सव में उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुदेव के कार्यक्रम स्थल पर आगमन के पश्चात उच्चासन ग्रहण करने के साथ हुआ, जहां महाराज श्री के मुखारविंद से उच्चारित नमोकार मंत्र के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, एसो पंचन मोकारो सव पव प्रणासनो मंगलानंच संवेसिं पदमं हवाई मंगलं। तत्पश्चात इस पावन उपलक्ष्य पर प्रिंस जैन द्वारा गुरुवरों के श्री चरणों में अद्भुत भजन की प्रस्तुति दी। ये सब के मन को भाया है, गुरु के वचन में दिन आया है, ये सब के मन को भाया है, गुरु के वचन में दिन आया है, ये सब के मन को। इस बीच विशिष्ट सदस्यों द्वारा महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। अब समय था ध्वजारोहण का, जिसका सौभाग्य भाई श्री पंकज जैन, ऋचा जैन, श्री ऋषि जैन, आरिका जैन, श्री नीलेश जैन, सुपुत्र स्वर्गीय सुखबीर सिंह जैन, असमानपुर वालों को प्राप्त हुआ। इसके साथ ही साध्वी श्री हर्षाली जी महाराज साहब के मुखारविंद से मधुर भजन श्रवण करने का सौभाग्य उपस्थित भक्तों को प्राप्त हुआ। जिनका यश फैला है, चहुदिश दीप जलाते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। एक तरफ जहां भक्तों को साध्वी श्री के मुखारविंद से मधुर भजन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इस दौरान गणमान्य सदस्यों का स्वागत सम्मान विशिष्ट सदस्यों द्वारा किया जा रहा था। संत शिरोमणि गुरुवर। इसके बाद सहदेव मुनि जी महाराज साहब द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अमृत भजन प्रस्तुत किया गया। करे प्रिय कटुके
कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। इस बीच गुरु भक्त भाई श्री अनिल जैन परिवार का स्वागत सम्मान गणमान्य सदस्यों द्वारा किया गया। और अब समय था भक्तों द्वारा गुरु महाराज को चादर अर्पित करने का। यह सौभाग्य पुण्यशाली भक्त प्राप्त कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। इस दौरान सीए श्री सचिन जैन जी द्वारा गुरु प्रेम सुख दरबार का विमोचन किया गया। एक तरफ जहां मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया जा रहा था, तो वहीं इस बीच गणमान्य सदस्यों का स्वागत सम्मान भी किया जा रहा था। इसी के साथ नन्हे नन्हे बारह स्वागत सम्मान की श्रृंखला आरंभ हुई, जिसके साथ ही योग साधना और समाधि पुस्तक एवं अन्य पुस्तकों का विमोचन विशिष्ट सदस्यों द्वारा किया गया। इसी के साथ बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इस बीच हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की धर्मपत्नी श्रीमती आशा हुड्डा जी गुरुदेव सत्संग के दर्शन वंदन करने हेतु पहुंची। इसके बाद स्कूल की छात्राओं द्वारा देशभक्ति का गीत कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया, जिसने मानो कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। जिसके बाद गुरुदेव संघ के मुखरविंद से अमृत रस श्रवण करने का अवसर भक्तों को प्राप्त हुआ। कि तुम तो मेरे गुरुवर हो, कि तुम तो मेरे गुरुवर हो, तेरे घर पे झुके संसार। जिसके साथ ही गुरु भक्त द्वारा अपने भाव गुरु चरणों में प्रस्तुत किए गए। आप सब कुशल होंगे। मैं भगवान पार्श्वनाथ जयंती गुरु प्रेम सुख जयंती पर आपके अनुग्रह निमंत्रण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो निस्वार्थ भावना से पूरी मैनेजमेंट और जो भी भाई इसके साथ लगे हुए हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हैं चाहे कोई और हैं, पूरे निस्वार्थ भावना से यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। इसी के साथ प्रेम सुख महिला मंडल द्वारा श्रीमती आशा हुड्डा जी का स्वागत सम्मान किया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा अपने भाव भी प्रस्तुत किए गए। समाज को शिक्षा देने का, समाज की अच्छाई का कार्य करते हैं, सबसे बड़ी बात वही होती है। मेरी शुभकामनाएं कि इनका ये जो प्रयास है जो स्कूल को बड़ा करने का, ये सफल हो। इसी बीच अरहद अमृत वाचन नामक पुस्तिका का विमोचन पुण्यशाली भक्तों द्वारा किया गया। स्वागत सम्मान के पश्चात एक बार पुनः स्कूल के बालक बालिकाओं द्वारा देश को समर्पित एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया गया। क्रमानुसार स्वागत सम्मान के पश्चात एक बार पुनः देशभक्ति नृत्य बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ गुरुदेव संघ के मुखरविंद से अमृत वचन श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। यापन करता है जो लोगों के कल्याण में अपने जीवन यापन करता है, ऐसे तुम्हारे दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज साहब, जिन्होंने अपना जीवन भी केवल दूसरे लोगों के लिए लगाया। इसी के साथ एक बार पुनः स्वागत सम्मान की श्रृंखला आरंभ। एक तरफ स्वागत सम्मान को संपन्न किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अद्भुत भजन की प्रस्तुति भी दी जा रही थी। क्रमानुसार स्वागत सम्मान के पश्चात एक बार पुनः देशभक्ति नृत्य बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया।
धर्म भूमि या वीर भूमि हरियाणे की। इस दौरान गुरु भक्त द्वारा बेहद ही सुंदर भजन की प्रस्तुति गुरु भक्त द्वारा प्रस्तुत की गई। इसी के साथ एक बार पुनः स्वागत सम्मान की श्रृंखला आरंभ। अब समय था पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अमृत वचन श्रवण करने का और अपनी बुद्धि से भी काम लेने का पूरा प्रयास रहता है सक्रियता और सुरक्षित सुरक्षित भी मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। भाई ने कहा कि महाराज जी आपके बाद इन संस्थाओं को देखने वाला कौन होगा। मैंने कहा बात सुनो, एक तो जिंदगी का वैसे भरोसा नहीं है और ये संस्था किसके साथ में गई है किसके साथ में जाएंगी। दूसरी बात मेरे साथ में जो संत हैं वो सभी सारी व्यवस्थाओं को समझते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो मीटिंग में मेरे साथ में ट्रस्ट के साथ में जब मीटिंग होती है तो ये नहीं बैठते तो इनको किसी बात की जानकारी नहीं, ऐसा नहीं है। इन सभी को पूरी जानकारी है और यदि योग बैठा तो आने वाले वर्ष में उसकी घोषणा भी इसी स्थान से और यदि बिल्डिंग इस समय तैयार हो जाती है तो उस स्थान के पर कार्यक्रम रखने के साथ में ये घोषणा भी हो जाएगी कि मैं रिटायरमेंट की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने के साथ संतों को अपनी जिम्मेवारी, हालांकि अभी भी मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को छोड़ता जा रहा हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि एक समय और सीमा होती है जिस समय व्यक्ति को अपने आप के पर विराम लगाते हुए अपनी आत्मा के बारे में भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और तीन हिस्सों में मैं अपने जीवन को बांट रखा है, तीन हिस्सों में, और तीन में हिस्सों में से पहला जिंदगी का हिस्सा है पारिवारिक। पारिवारिक से मतलब मेरे साथ में जो संत हैं उनके प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी है उसको पूरा समझने का प्रयास कि मैं अपनी जिम्मेवारी समझने के साथ वो सारी जिम्मे उनके पर डालूं और वो इस बीच में पूर्ण योग्यता के साथ उसको संभालने में समर्थ हों सक्षम हों आगे बढ़े। और दूसरा सामाजिक, समाज में जो जो परिवार जो जो लोग जिन भी क्षेत्रों में रहते हैं उन और जो हमारे पास में आते जाते हैं वो भी या नहीं भी आते जाते उनकी जिंदगी में भी कोई परेशानी है तो उन सब के साथ मिलना जुलना और यदि उनका समस्या का निदान हो सकता है तो उस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। क्योंकि साधु के बारे में मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब अक्सर बोलते थे साधु सबका और सब साधु के। साधु के लिए कोई किसी भी संत का रिश्तेदार है किसी भी संत के परिवार का व्यक्ति है साधु सबका सम्मान करे। और मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब का ये आदेश है ये संदेश है कि यदि तुम्हारे को मालूम है कि अमुक व्यक्ति उस संत से संबंध रखते हैं पारिवारिक संबंध तो उनका विशेष सम्मान रहे उन लोगों का। किसी संत की माता जी हैं किसी संत के पिताजी हैं भाई हैं तो उनका विशेष सम्मान हो। एक संत के परिवार का संत ही सम्मान नहीं करेगा तो और कौन करेगा। तो सामाजिक जीवन में कोई भी व्यक्ति चाहे हमारे अनुकूल है चाहे प्रतिकूल है यदि कोई भी आता है तो अपने ओर से हर संभव प्रयास करना आने वाले की समस्या का निराकरण हो। और तीसरा व्यक्तिगत जीवन, मैं इस धरती पर क्यों पैदा हुआ हूँ, मैंने दीक्षा क्यों ली है। और आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने एक बात और बोल रहा हूँ जो दीक्षा लेते समय मेरी माताजी ने कही या मेरे पिताजी ने कही और दीक्षा लेने के बाद जो मेरे गुरुदेव ने कही वो बात आज मैं पहली बार सभा में निवेदन कर रहा हूँ। जब मैंने दीक्षा ली तो मेरी माताजी ने कहा कि खाली मत बैठना,
चाहे अपने गुरु जी की सेवा करना, चाहे जाप करना, चाहे किताब पढ़ना, खाली नहीं बैठना। दूसरा, मेरे पिताजी ने बात कही जब मैंने दीक्षा ली कि ऐसी जगह बैठना, ऐसी जगह जहाँ तेरे ऊपर तेरे गुरुदेव की दृष्टि पड़ती रहे। गुरु की दृष्टि यदि पड़ती रहेगी तो जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आती। या तो आंखों के सामने गुरु नजर आए और या गुरु को, गुरु की नज़र चेले पर पड़ती रहे। और मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब एक बात बोल कई बार कहते थे कि जिंदगी में उन संतों को देखना, उन संतों को जो तुम्हारे से बहुत अच्छे हैं, जो अपने से कमज़ोर हैं, या जो संयम पालने की इच्छा नहीं रखते, साधना करने की इच्छा नहीं रखते, या जब तब का कोई भाव नहीं है, उन संतों को नहीं देखना। उनको देखना है जिनकी जिंदगी से तुम्हारे को प्रेरणा मिल सकती है और जिंदगी में किसी योग्य संत को सलाहकार मान करके चलना। जिस समय मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब थे, उस समय किसी सलाहकार की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्वयं इस जिंदगी के मालिक रहे हैं। और गुरुदेव के देलोक के बाद में एक तो हमारे शिक्षा गुरु श्री जेपी त्रिपाठी, मैं उनको भी रोजाना नमन करता हूँ, प्रतिदिन नमन रहता हूँ उन्हें, जिन्होंने हमारे को शिक्षा दी और निस्सप्रिय भाव से बिना किसी लोभ लालच के। और उनके साथ साथ जिंदगी में सलाहकार रहे गुरुदेव के देलोक के बाद में, शिक्षा गुरुदेव के देलोक के बाद में मैं दो संतों के पास विशेष जाता रहा। एक तो पूज्य भगवान श्रीदेव श्री राम प्रसाद जी महाराज जी के चरणों में कि आशीर्वाद मिलता रहे, मार्गदर्शन होता रहे, और दूसरा ध्यान योगी पूज्य श्री हेमचंद जी महाराज साहब के चरणों में, क्योंकि मैंने जब उनके दर्शन किए तो लगा कि वो जीवन की किताब को दूर से देख के पढ़ लेते हैं। जब गुरुदेव के मुखारविंद से उच्चारित मंगल पाठ श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ तो मानो भक्तों का हृदय गदगद हो उठा। श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली पंतो धम्म मंगलम चतारी लोतमा रिहंता लोतमा सिद्धा लोतमा साहू लोतमा केली पंतो धम्म लोतमा चतारी शरणं भजामि अरिहंते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहू शरणं भजामि केवली पणतो धम्मो शरण बौज्जा मिरंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भवे प्राण करे आचरण उसे अजर अमर पद होगा उसका सदा ही। अब समय था भगवान प्रेमसुख विद्यापीठ शिलान्यास की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने का। नमो मैं श्री आदिनाथ चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारा ये 21 जनवरी का कार्यक्रम भगवान पार्श्वनाथ जयंती, गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब का जन्मदिन और पूरे आयोजन को इन्होंने कवर किया, जिसके साथ ही दिनांक 21 जनवरी 2024 को आयोजित कार्यक्रम का समापन सानंद रूप में हुआ। हरियाणा के सोनीपत स्थित भगवान प्रेम सुख मंदिर में दिनांक 21 जनवरी 2024 को आयोजित हुए त्रिवेणी संगम महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ, जो भक्तों को सदैव याद रहेगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं
गुरु भक्त परिवार श्री विवेक जैन, श्रीमती सुरुचि जैन, सावी जैन, प्रासुक जैन, प्रेम सुख फाइनेंस, स्पेशल होम लोन, लैप ओडी लिमिट बिजनेस लोन, प्रोजेक्ट लोन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।